मलिक हजार श्री आदिनाथ भगवान के भूगर्भ से प्रकटित श्री मुनि सुब्रत नाथ भगवान के चिंतामणि श्री पार्शनाथ भगवान के विश्ववर्णी श्री महावीर भगवान के जिनवाणी माता के परम पूजाचा गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज के परम पूजाचा गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज के धर्म स्नेही बंधुओं, ज्ञान के लिए कहा जाता है कि ज्ञान का सागर, क्या कहा जाता है? ज्ञान का सागर। ज्ञान कितना होता है? सागर के समान। सागर कितना बड़ा होता है? यदि एक देश से यात्रा करने के लिए निकलें और जहाज से चलते रहें चलते रहें चलते रहें 24 घंटे, तो महीनों लग जाते हैं। सागर इतना बड़ा होता है। और गहरा कितना होता है? पहले तो कहा जाता था कि ज्ञान सागर की गहराई को नाप नहीं सकते हैं, लेकिन वर्तमान समय में सागर की गहराई को भी नाप लिया गया है। पहले इतने साधन नहीं थे, इतनी मशीनें नहीं थी, तो ज्ञान सागर के समान है। किसके समान है? सागर के समान है। अच्छा, जैन धर्म में भगवान महावीर ने जो दिव्य ध्वनि में उपदेश दिया है वो कितना है? वो भी सागर से भी ज्यादा बड़ा है। वो कितना है? सागर से भी बड़ा है। तो सागर से भी ज्यादा है कौन सा ज्ञान? भगवान का ज्ञान। कौन सा ज्ञान? भगवान का ज्ञान। भगवान ने जो दिव्य ध्वनि में दिया वो गौतम गणधर ने लिया। जितना दिया उतना पूरा उनके पास नहीं पहुंच पाया। जितना उन्होंने लिया उन्होंने आचार्यों को दिया, वो भी पूरा नहीं दे पाए। जितना आचार्यों ने लिया आगे उतना लिपिबद्ध हो गया, ये कोई जरूरी नहीं है। और जितना लिपिबद्ध हुआ उसमें से ये बताया जाता है कि एक समय 6 महीने तक लगातार जैन शास्त्रों की होली जलाई गई थी। 6 महीने तक लगातार यूं एक एक कागज निकाल के डालते रहे होंगे 6 महीने तक। उसके बाद जो शास्त्र बचे हैं वो हमें अभी इस समय मिल रहे हैं। मतलब कितना साहित्य, जैन साहित्य, कितना जैन शास्त्र कितना नष्ट हो चुका है, और उसके बाद जितना बचा है वो भी अभी बहुत है, बहुत है। यदि उतना भी पढ़ लिया तो समझ लो आनंद आ गया जीवन में। तो जिनवाणी माँ, भगवान हमें दिव्य ध्वनि के माध्यम से उपदेश देते हैं, जिनवाणी माँ हमें शास्त्रों के माध्यम से सिखाती है, और गुरु हमें उपदेश देकर, शास्त्र को पढ़ के उपदेश दे करके सिखाते हैं। ज्ञान सब जगह से आ रहा है। कहाँ से? भगवान के पास से क्या मिला? ज्ञान। जिनवाणी से क्या मिला? ज्ञान। और गुरुओं से क्या लेते हो? ज्ञान। तो महत्वपूर्ण क्या है? ज्ञान। लेकिन सम्यक दर्शन में पहले श्रद्धा है, बाद में ज्ञान है, फिर चारित्र है। तो ज्ञान कब होगा? मतलब आप किसकी बात मानते हो? जिनके प्रति आपको विश्वास होता है उन्हीं की बात मानोगे ना, और जिनके प्रति आपको विश्वास ना हो तो आप बात नहीं मानोगे। अरे हम नहीं मान रहे, हमें नहीं पता ये सही है कि नहीं है। और नहीं, उसने कहा वो तो गलत बोल ही नहीं सकता है, बिल्कुल सही है उसकी बात। तो जिसके प्रति विश्वास है उसकी बात पर विश्वास है, और जिसके प्रति विश्वास नहीं है उसकी बात पर भी विश्वास नहीं हो सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले श्रद्धा को रखा गया। श्रद्धा सबसे पहले, देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा। तुम्हें श्रद्धा है? बहुत। जब है तो जो वो कहेंगे यूं लगेगा कि इन्होंने जो कह दिया है पत्थर की लकीर है, इनकी बात तो गलत हो ही नहीं सकती है।
पत्थर की लकीर के समान है इनकी बात। तो ज्ञान बाद में है, श्रद्धा पहले है। और जब श्रद्धा आ गई, अकाट्य श्रद्धा आ गई, तो वो जो कह देते हैं वो हमारे लिए माननीय हो जाता है। तो ज्ञान माननीय, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पहले श्रद्धा और विश्वास जमाया, फिर हमने उनकी बात को माना। तो मानने में भी क्या है, ज्ञान, वहां भी कोई दूसरी बात नहीं है, मात्र ज्ञान की बात है। तो संसार में सार की चीज क्या है, ज्ञान है। अब ज्ञान आ गया, भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, छोड़ दी। क्यों, भगवान ने कहा ना, श्रद्धा थी, भगवान ने कहा शराब नहीं पीना चाहिए, ज्ञान हो गया, चरित्र में आ गया। श्रद्धा है, ज्ञान है, तो चरित्र भी आ जाएगा। श्रद्धा ही नहीं है तो बात भी नहीं मानेंगे, और जब बात नहीं मानोगे तो चरित्र में भी नहीं आ सकता है। और जब श्रद्धा, ज्ञान, चरित्र तीनों नहीं है, तो फिर तो संसार में पाप में पड़ने के अलावा दूसरा रास्ता कोई भी नहीं है। तो हमारे जैन साहित्य में, जैन शास्त्रों में अनेक ग्रंथ हैं। प्रथमानियोग के हैं, चरणानियोग के हैं, करणानियोग के हैं, द्रव्यानियोग के हैं, हैं? प्रथमानियोग ग्रंथ हमें महापुरुषों के माध्यम से बताता है कि धर्म क्या है। राम के जीवन का वर्णन कर दिया, और राम ने अपने जीवन में जो आचरण किया है उसके माध्यम से बता दिया कि धर्म ये है। सीता ने कैसे धर्म का पालन किया, तो सीता के माध्यम से बता दिया। जैसे छोटा बच्चा होता है, जब छोटा बच्चा होता है तो उसे चोरी नहीं करना ऐसे सिखाओगे तो उसे समझ में नहीं आएगा। उसे एक कहानी बताओ कि देखो बेटा, उसने चोरी करी तो उसे जेल जाना पड़ा, उसने ऐसे सामान निकाला, उसने ऐसा किया। अच्छा, उसने किया था, हाँ मैं चोरी नहीं करूँगा। तो पहले कहानी के माध्यम से समझाया जाता है। फिर थोड़े और आगे बढ़ते हैं, प्रथमानियों, करणानियों। अब और आगे बढ़े तो कर्मों के हिसाब से समझा दिया, देखो ऐसा कर्म करोगे तो ऐसा होगा। एक उदाहरण से मैं ही आपको समझा देती, मैंने पहले भी वो बताया है कि जैसे एक माँ है, बच्चा उंगली पकड़ के चल रहा है, बीच में बच्चे ने उंगली छोड़ दी, आगे आगे दौड़ने लगा, ठोकर खा के बच्चा गिर गया। बच्चा रोने लगा, माँ ने कहा बेटा चुप हो जा, देख तेरा बड़ा भाई गिरा था, वो तो रोया नहीं, तू क्यों रोता है। बच्चा फिर भी चुप नहीं हुआ। फिर माँ ने कहा देख बेटा, तूने पिछले जन्म में किसी को गिराया होगा इसलिए तू गिरा है, नहीं तो तू गिरने वाला नहीं था। वो फिर भी चुप नहीं हुआ। फिर माँ ने कहा देख बेटा, तू आगे आगे भाग रहा था, मेरी अंगुली छोड़ करके भाग रहा था, इसमें तेरी गलती है तू गिरा है, तो तेरे चलने की गलती, तू देख के नहीं चल रहा है, तुझे पत्थर की ठोकर लगी और तू गिर गया। फिर भी चुप नहीं हुआ। तो माँ ने कहा देख बेटा, जो तू है उसे चोट लगती नहीं है, और जिसे चोट लगी है वो तू नहीं है। बात समझ में आई। पहले भाई के माध्यम से समझाया, तेरा बड़ा भाई गिरा था वो तो रोया नहीं। ऐसे जिनवाणी माँ प्रथमानियों के माध्यम से समझाती है, राम पर संकट आए थे वो तो रोए नहीं, वो तो परेशान नहीं हुए, वो तो आराम से जंगल में रहे, तू क्यों परेशान होता है, ऐसे संकट तो आते रहते हैं। और भी नहीं मानते तो श्रीपाल के विषय में बताते हैं, देखो श्रीपाल को धवल सेठ ने समुद्र में गिरा दिया था, जब वो पार करके और अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए हिम्मत से आगे बढ़े तो तू क्यों हार मान रहा है, तू भी उठ आगे चल, ये तो होता रहता है। सीता के माध्यम से समझाया, अंजना के माध्यम से समझाया, देखो किसी को किसी की सास परेशान करती है तो उसे अंजना के माध्यम से समझाया, देखो अंजना की सास ने तो उसे घर से निकाल दिया था और जंगलों में रही अंजना बहुत दिनों तक, वहां हनुमान का जन्म हुआ, और ऐसे समय निकाला था घर से जिस समय उस नारी को रक्षा की जरूरत होती है, सेवा की जरूरत होती, ऐसे समय निकाला था।
तो इस तरह से प्रथमानियों के माध्यम से हम भक्तों को जिनवाणी माँ समझाती, अरे समझ जाओ, फिर और आगे समझा दी, चलो इतने में नहीं समझे, चलो अब आ जाओ करुणा नियोग में, कर्मों के माध्यम से समझो, अरे पिछले जन्म में ऐसा किया होगा इसलिए हो रहा है, नहीं तो होने वाला नहीं था, ये निश्चित ही किसी ना किसी कर्म का फल है, करुणानियोग के माध्यम से समझाया। फिर उसके बाद बच्चा फिर भी चुप नहीं हुआ था, तो फिर चरणानियोग के माध्यम से माता समझाती है, चरणानियोग के माध्यम से ऐसे समझाती, देख तू देख के नहीं चल रहा था ना, इसलिए तेरे को ठोकर लगी, तू देख के चलता, चारित्र आ गया, चरणानियोग में क्या आ गया, चारित्र आ गया, देख तूने ऐसा गलत खाया ना इसलिए बीमार हुआ है, देख तूने ऐसा गलत किया था ना इसलिए ऐसा हुआ है। अब चरणानियों के माध्यम से आचरण सुधार दिया और द्रव्यानियों के माध्यम से शुद्ध आत्मा को दिखा दिया कि जिसे चोट लगी है वो तू नहीं है और जो तू है उसे चोट लगती नहीं है, यानी आत्मा को चोट लगती नहीं है तो तू आत्मा है और चोट लगी है शरीर को तो तू शरीर नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो चार अनियोग के माध्यम से जिनवाणी माँ हम सबको समझाती है, हम सबको ज्ञान देती है। तो ऐसे अनेक शास्त्र हैं, उन्हीं शास्त्रों में से एक शास्त्र का नाम है इष्टोपदेश। क्या नाम है? इष्टोपदेश। नाम भी बड़ा सुंदर है, नाम बड़ा अच्छा है, इष्टोपदेश। उपदेश, कौन सा उपदेश? इष्ट लगने वाला उपदेश, इष्ट यानी अच्छा, इष्ट यानी कल्याण, इष्ट यानी भला होने वाला। अब बताओ आपको उपदेश तो चाहिए ना, लेकिन आपको अच्छा क्या लगता है? मतलब हम ऐसा क्या बोलें कि आपको अच्छा लगे, या आपको क्या अच्छा लगता है उस पर हम बताएं आपको। हाँ जी, क्या अच्छा लगता है आपको? बढ़िया उपदेश चाहिए, उपदेश चाहिए। लेकिन एक पसंद होती है आदमी की, मुझे सोना बहुत पसंद है, मुझे खाना बहुत पसंद है, मुझे नमकीन बहुत पसंद है, मुझे मीठा बहुत पसंद है, इष्ट है, जो अच्छा लगे वो इष्ट। लेकिन जो यहाँ उपदेश दिया गया है वो उपदेश ये वाला नहीं है, किसी को धन पसंद है तो धन प्राप्ति का उपदेश दे दिया, किसी को कपड़े पसंद है तो उसके लिए सिखा दिया, लेकिन यहाँ वो वाला उपदेश नहीं। इष्ट का मतलब होता अच्छा, लेकिन अच्छा भी कौन सा वाला अच्छा है? जो आत्मा के हित में हो, क्योंकि संसार में भी बहुत सारी चीजें अच्छी लगती है, ऐसा नहीं है। आप घर में रहते हो तो घर में रहते रहते भी अपनी पसंद बताते रहते हो सबको, मुझे ना डायमंड सेट बहुत अच्छा लगता है, मुझे ना ये वाली साड़ी बहुत अच्छी लगती है, मुझे ना वो ये वाला कलर बहुत अच्छा लगता है, इस तरह अपने इष्ट बताते रहते हो। लेकिन यहाँ उस इष्ट की बात नहीं है, यहाँ इष्ट की बात है जो आत्मा के हित में हो। क्योंकि ये जो बाहर वाला इष्ट है ना, मान लो आपको मीठा पसंद है, आप कितना मीठा खा सकते, चलो आपसे कहा जाए आज आपको पूरे दिन केवल मीठा ही मीठा खाना है, बताओ वो इष्ट हो जाएगा कि अनिष्ट हो जाएगा? हैं? अब आपको वही इष्ट है, हमारे लिए तो मीठा इष्ट है, हमें तो मीठा अच्छा लगता है और हम तो मीठा अच्छे से खाते हैं, चलो ठीक है तुम सब चीज़ छोड़ दो, रोटी पानी दाल चावल सब्जी नमकीन नमक घी दूध सब छोड़ दो, केवल मीठा ही मीठा खाओ आप, अब आप बताओ कितना खा सकते हो? नहीं खा सकते हो, वो इष्ट अनिष्ट में परिवर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इष्ट अनिष्ट में परिवर्तित हो जाएगा। अब मीठा आपको तो अच्छा लग रहा है मगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, एक को अच्छा लगता है और एक को अच्छा नहीं लगता है, तो इसका मतलब है हुआ कि वो जो मीठा है ना इष्ट है ना अनिष्ट है, वो हमारी रुचि पर निर्भर करता है। लेकिन जो ये इष्टोपदेश है वो हमारी रुचि पर नहीं, हमारी आत्मा पर निर्भर करता है। हम भोजन में तो पसंद वसंद ये तो सब अस्थाई चीजें हैं, भूख लगी है भोजन करेंगे, आप कहें भाई आपको भूख लगी तो भोजन करना इष्ट है कि नहीं है?
यदि भूख लगी है तो भोजन करना अच्छा है, भाई भूख लगी है। अब अच्छा है यदि भोजन करना तो छोड़ो मत, खाते रहो खाते रहो खाते रहो खाते रहो खाते रहो। नहीं, अब पेट भर गया, अब नहीं खा सकते, नहीं खाना पड़ेगा। आपने कहा था कि भोजन करना अच्छा है, खाना पड़ेगा अब आपको। और खाते रहो जब तक आप यहाँ बैठे, ज्यादा नहीं तो 24 घंटे तो खाते ही रहो। अब बताओ खा सकते हो क्या? नहीं। तो खाना कितनी देर इष्ट हुआ? आधा घंटा, 15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा। उसके बाद यदि किसी ने ज्यादा खिला दिया तो फिर वापिस देना शुरू कर दोगे, यही है ना? फिर तो वापिस निकालना, लो तुम्हारा खाना, ये रखा नहीं खाना मुझे। तो जो संसार के इष्ट हैं वो नश्वर हैं, क्षणिक हैं, अस्थाई हैं। लेकिन जो यहाँ इष्टोपदेश कहा गया है वो आत्मा के लिए है, अविनश्वर है, स्थाई है, ऐसा सुख है जो सबके लिए समान है। चाहे यदि उस उपदेश को देवता भी सुने तो उनके लिए भी उचित है, यदि उस उपदेश को कोई पशु पक्षी भी सुने तो उनके लिए भी वही काम करेगा, उस उपदेश को मनुष्य सुने तो उनको भी वही काम करेगा, उस उपदेश को यदि नारकी भी सुन ले तो उनका भी भला हो जाएगा। जिसको सुनने के बाद चारों गतियों को इष्ट हो जाए, ऐसा उपदेश है। यहाँ तक केवल मीठा यदि इन्हें पसंद है तो इन्हें नहीं पसंद है, एक को इष्ट है तो एक को नहीं है, तो वो वाला इष्ट की बात नहीं चल रही। तो जो शारीरिक इष्ट है, ये सब क्या है? शारीरिक इष्ट। मान लो गर्मी लग रही है तो कूलर और एसी की याद आ रही है, अब बारिश का मौसम आ गया, ठंडा हो गया मौसम, अब तुम्हारे लिए एसी और कूलर इष्ट है क्या? अब नहीं। क्यों? मौसम बहुत ठंडा हो रहा है। तो कब तक इष्ट था? जब तक गर्मी थी। और सर्दी आते ही फिर भी तुम्हें यदि मान लो बिठा दिया जाए उसमें तो बीमार हो जाओगे, वो अनिष्ट हो जाएगा। रुचि होनी चाहिए। याद कौन सी चीज रहती है? जिसमें रुचि होती है, हैं? अब कोई एक गाड़ी यहाँ से निकल गई, गाड़ियाँ तो 50 निकल रही हैं तुम्हारी दुकान के सामने से दिन भर, गाड़ियाँ तो 50 निकल रही हैं, मगर तुम्हें कौन सी गाड़ी याद रहती है जो तुम्हें पसंद है? अरे क्या गाड़ी थी, उसकी फोटो तुम्हारे अंदर बस जाती है। तो जिसके प्रति रुचि वो याद हो जाता है, और जिसके प्रति रुचि ना हो उसे बार बार याद करने पर भी याद नहीं होता। एक बार एक अम्मा जी आई, बोले माता जी पढ़ते तो बहुत है, बहुत पढ़ते हैं मगर याद नहीं रहता है, आप कुछ ऐसा मंत्र सा दे दो कि मुझे याद रहने लगे। मैंने कहा अम्मा जी आप कहाँ से आई हैं? उन्हें अपने शहर का नाम बताया। मैंने कहा आपके कितने बच्चे हैं? बोले 9, 6 लड़का और 3 लड़कियाँ। मैंने कहा सबके नाम बताओ, उन्हें सबके नाम बता दिए, अम्मा जी थी। अब उनसे पूछा कि सबकी शादी हो गई? हाँ हो गई। कहाँ कहाँ हुई है? सारे शहरों के नाम बता दिए। अच्छा, तो उन सब बहुओं की शादी में दहेज तो मिला ही होगा? अरे माता जी, उसके यहाँ से इतना मिला था, उसके यहाँ से इतना मिला था, उसके यहाँ से कम मिला था, उसके घर वाले ऐसे हैं, उसके घर वाले बहुत अच्छे हैं। अच्छा, फिर आपके नाती पोते भी होंगे? अरे माता जी, पूरा आंगन नाती पोतों से भरा पड़ा है, आनंद आता है। तो सबके नाम बताओ, सबके नाम बता दिए। फिर मैंने और बात में पूछी उनसे, उन्होंने सब कुछ बता दिया। मैंने कहा अम्मा जी अभी तो आप कह रही थी कि आपको याद नहीं रहता है, हैं? अभी तो आप कह रही थी आपको याद नहीं रहता है, और आपको तो बहुत कुछ याद है, अभी तो मैंने थोड़ा सा पूछा है, अभी आपकी पूछ लूं पुरानी हिस्ट्री तो आप वो भी बता दोगी कि आपकी सास कैसी थी, उसकी पूरी कहानी सुना दोगी, आपकी और देवरानी जेठानी कैसी थी, आपका कौन का, आप तो सब सुना दोगी, लेकिन आपको याद तो बहुत है। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि जिस चीज में हमारी रुचि होती है वो हमें याद हो जल्दी हो जाती है, बहुत जल्दी हो जाती है, और जिस चीज में हमारी रुचि नहीं होती है वो चाह कर भी याद नहीं होती। अब मान लो शास्त्र पढ़ने का भाव है, मन बहुत करता है कि शास्त्र पढ़ना है, लेकिन अब क्या करें, टाइम ही नहीं मिल पाता। अच्छा, मोबाइल चलाने का टाइम मिल जाता है? अरे वो तो मिल जाता है, मतलब मोबाइल के प्रति रुचि है। किसके प्रति? मोबाइल के प्रति।
अब मोबाइल चलाने में भी रुचि काम करती है। अब आप देखिए, मोबाइल आपने खोला, अब इतने सारे फंक्शन है उसमें, अब आपने उसमें से क्या खोला? यदि आपको अपनी बेटी से प्रेम होगा तो सबसे पहले उसका नंबर खुलेगा, उसे फोन लगाया जाएगा, हैं? यदि आपको और किसी से होगा, आपको कोई काम नहीं है बेटी से, कोई काम नहीं है कि आप उससे बात करो, लेकिन बस वैसे याद आ रही ना इसलिए बात कर लेती हूँ। रुचि, ये क्या है? रुचि। बेटे से लगा लो भाई, बेटे को फोन लगा लो, जब तक दिन भर में एक बार मैं बात ना कर लूं मेरा तो मन ही नहीं मानता है। रुचि है। अब मान लो आपका बात भी हो गई, अभी भी मोबाइल हाथ में है, अब छोड़ने का मन नहीं कर रहा, तो अब क्या खोलोगे? व्हाट्सएप, फेसबुक, और क्या नाम है उसका, यूट्यूब, ये खोल के बैठ जाओगे। उसमें उंगलियां ऊपर नीचे, जितनी उंगली, ये उंगली या ये उंगली जितनी ज्यादा मोबाइल पे इस तरह होती है, यदि ये माला पे हो जाए, कभी गिनती लगाई कि मोबाइल में कितने बार ऐसे ऐसे किया? माला तो एक बहुत हो गई, एक बार फेर के माला, बस उंगली दुखने लगी। अब तो मोबाइल चलाते ही उंगलियां नहीं दुखती हैं। तो बात रुचि की है, जिस तरफ हमारा हमारी रुचि होती है उस तरफ हमारा झुकाव होता है, उस तरफ हमारी याद होती है, उस तरफ हमारी स्मरण शक्ति ज्यादा काम करती है। तो एक महीने में, एक बार मैंने तत्वार्थ सूत्र भी याद किया था, एक महीने में कितने दिन में कितने अध्याय हैं? 10 अध्याय हैं। एक महीने में याद किया, और उसमें भी नियम ले लिया कि रसी करूंगी। रसी का मतलब सोमवार को हरी नहीं खाना, मंगलवार को मीठा नहीं खाना, तो इस तरह जो त्याग होते हैं रोज के 7 दिन के, उनको वो नमक, रविवार को, शनिवार को तेल, तो जो त्याग होते रोज का नियम था कि जब तक तत्वार्थ सूत्र याद नहीं हो जाएगा तब तक रसी करेंगे। अब उस रसी का इतना, क्योंकि भाई शरीर तो शरीर है ना, मांगता है नमक, आज नमक नहीं खाना, अच्छा तो शरीर अपने हिसाब से, तो शरीर को जब थोड़ा सा तपा तपा के यदि कोई चीज याद करी जाए तो बड़ी जल्दी याद होती है। पहली बात रुचि, और दूसरी बात तपस्या, रस परित्याग। तपस्या हो गई तो रुचि वाली चीज जल्दी से अंदर में पहुंच गई। तो आजकल उपदेशों की कमी है क्या? है? यदि एक दुकानदार भी, यानी भले की बात, उपदेश करने का मतलब है भले की बात करना। किसकी बात करना? भले की बात करना। एक बहन भी भाई से कहता है, तेरे भले के लिए कह रहा हूं। हाँ, भाई भाई से कहता, मान जा मेरी बात, तेरे भले के लिए कह रहा हूं। माँ बेटे को समझाती है, हैं? और मान लो दुकान में कोई ग्राहक आया और उसे कोई सामान चाहिए। अब सामान तो चाहिए, मगर वो सामान कुछ और चाहता है और आप उसे कुछ और देना चाहते हो, ठीक है? आप उसे सामान कुछ और देना चाहते हो, वो लेना कुछ और चाह रहा है। अब आप उसे समझाओगे, अरे भाई साहब बहुत अच्छी कंपनी है, इस कंपनी से तो बढ़िया कोई कंपनी है ही नहीं है, एक बार लेकर तो देखो सही, बढ़िया कंपनी का माल है, नाम लोगे मेरा कि बहुत अच्छी चीज दी है। फिर भी वो नहीं मानता, अरे भाई साहब मैं आपके भले के लिए कह रहा हूं, एक बार लेके देखो तो सही। ये भी उपदेश है, लेकिन ये कौन सा उपदेश है? ये इष्टोपदेश तो है, मगर आत्मा के हित वाला उपदेश नहीं है। जहां आत्मा के हित वाला उपदेश हो उसको कहा है इष्टोपदेश। हालांकि हर गली गली में, हर मोहल्ले मोहल्ले में उपदेश देने वाले मिल जाएंगे, उपदेश देने वालों की कमी तो है ही नहीं है, लेकिन कौन सा उपदेश जो आत्मा के हित में हो, जो आत्मा के सुख में हो, आत्मा के कल्याण में हो, आत्मा के भले में हो। अब आत्मा और शरीर दो चीज अलग अलग है, ये मान के चलना, ये सोच के चलना, ये श्रद्धा बना के चलना कि दोनों का हित अलग अलग है। इसी स्टोप देश में एक गाथा आगे आएगी,
कि जब शरीर का हित करो तो आत्मा का अहित होता है, जब आत्मा का हित करो तो शरीर का अहित होता है। अभी आएगी इसमें, आएगी करीब 15-20 गाथा के बाद में ये गाथा आएगी। तो स्टोप देश में भी जब दोनों का हित अलग अलग है तो इसमें फिर आपको मैनेज करना पड़ेगा, इसमें आपको मेंटेन करना पड़ेगा कि मुझे शरीर का इष्ट कितना करना है और आत्मा का इष्ट कितना करना है। एक बार श्रीमद रायचंद जी से किसी ने कहा, बोले भाई साहब आपका शरीर बहुत दुर्बल हो रहा है, बहुत क्रश हो रहा है, बहुत कमजोर हो रहे हैं आप, क्या बात है? बोले मेरे दो बाग हैं। क्या हैं? मेरे दो बगीचे हैं, दो बगीचे में से मैं एक में पानी ज्यादा डाल रहा हूं तो दूसरा बगीचा सूख गया है, एक में पानी ज्यादा डाल रहा हूं तो दूसरा बगीचा सूख गया है। अर्थात मेरे आत्मा और शरीर मेरे दो बगीचे हैं और इन दो बगीचों में से मैं आत्मा के शरीर आत्मा में ज्यादा पानी डाल रहा हूं तो शरीर का बगीचा सूख गया है। तो शरीर का इष्ट अलग है और आत्मा का इष्ट अलग है। आत्मा का इष्ट जहां होगा वहां पर शरीर का इष्ट हो या ना हो ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आत्मा का जहां हित है वहां मेरा हित है। जहां शरीर का हित है वहां मेरा हित हो और ना हो ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं कौन हूं? आप अपने आप से पूछिए, बोलिए बोलिए मैं कौन हूं, बताइए आप कौन है, कौन है आप, हैं? कहां से आए हैं, कहां से आए हो? जाजपुर से आ रहे हैं। माता जी आपको नहीं पता, इतने दिन से आप यहाँ रह रही हो, हम जहाजपुर से आए आपको पता नहीं है? नहीं नहीं ये तो पता है कि आप जहाजपुर से आए। जहाजपुर में आप कितने दिन पहले आए? उसके पहले सरसिया से आए थे। अच्छा, तो सरसिया में कितने दिन पहले आए? 50 साल तो हो गए होंगे, हैं? हम उस 50 साल से पहले आने की बात कर रहे हैं। जब आप सरसिया में आए थे तो सरसिया में आप कहाँ से आए थे? मैं वहां से आने की पूछ रही हूं आपसे। तो कहा गया है कि ये आत्मा पिछले जन्म में थी, अब कहां थी हमें पता नहीं है, लेकिन आत्मा है ये पता है कि मैं कौन हूं, आत्मा हूं। पिछले जन्म में भी आत्मा थी, इस जन्म में भी आत्मा है, और जब इस शरीर को छोड़कर जाएंगे तो वहां भी मेरी मैं रहूंगा। शरीर रहे ना रहे मैं रहूंगा, मरण से मेरा अंत होने वाला नहीं है। मैं अजर अमर अविनाशी हूं, कर्मों के कारण घूम रहा हूं। तो इष्टोपदेश, उपदेश तो बहुत सुनते हैं, सुबह से शाम तक सुनते हैं। माँ कुछ कहती है तो बच्चे कहते हैं मम्मी भाषण मत दो, बहुत देर हो गई तुम्हें बोलते बोलते, चुप हो जाओ। अभी चाहे मम्मी तो कह रही है बच्चों के हित के लिए और बच्चे कह रहे हैं मम्मी चुप हो जाओ, तुम्हें भाषण नहीं सुनने, मुझे बहुत देर से तुम बोल रही हो। है पिताजी कुछ कहें तो पापा ज्यादा मत बोला करो, बस आप चुप हो जाओ। है अब फिर भी तुम चुप नहीं होगे तो फिर वो शुरू हो जाएगा आदान प्रदान वाला मामला, तुम कुछ कहो वो कुछ कहेगा, तुम कुछ कहो वो कुछ कहेगा। तो उपदेश तो देने वाले बहुत हैं, मगर ज्यादा से ज्यादा उपदेश देने वाले शरीर के उपदेश देने वाले, भोजनोपदेश, तुम्हारे मोबाइल में होता नहीं होता भोजनोपदेश, भोजन कैसे बनाया जाता है, कौन कौन सी अच्छी नई डिश बनती है, क्या बनती है, उपदेश देने वाले हैं बहुत हैं। हैं कौन सा काम संसार में कैसे होता है, बड़े बड़े कॉलेज खुले हैं उपदेश देने के लिए, तो बड़े बड़े स्कूल खोले हैं उपदेश देने के लिए, मगर वो उपदेश केवल शरीर की और संसार की शिक्षा देते हैं। मगर यहाँ जो आचार्य पूज्य पद्म स्वामी ने उपदेश दिया है वो उपदेश आत्मा के हित के लिए दिया है, आत्मा के लिए दिया है। तो अपने जीवन में शरीर का हित तो अनादिकाल से किया है, अब थोड़ा आत्मा के हित का चिंतन मनन भी करना है, क्योंकि आत्मा का हित
इस जन्म में भी हमें सुखी करेगा और अगले जन्म में भी हमें सुखी करेगा। तो घोड़े में रेश का, मकान के वेश का और ग्रंथों में स्टोप देश का, बुनाई में बुनने का, चावल में चुनने का और स्टोप देश को अब प्रतिदिन सुनने का, चलने में पंथ का, धरती पर संत का और स्टोप देश जैसा सुंदर ग्रंथ का, बारिश में नमी का, रहने के लिए जमी का और स्टोप देश लिखने वाले आचार्य पूज्यपाद स्वामी का, बच्चों के बढ़ने का, कर्मों से लड़ने का और स्टोप देश ग्रंथ पढ़ने का। बोलिए चौबीसों भगवान की। अरे हंत देव स्वामी शरण तेरी आए, शरण तेरी आए। अरे हंत देव स्वामी शरण तेरी आए, शरण तेरी आए। दुख से है व्याकुल करे मोके सताए, करे मोके सताए। अरे हंत देव स्वामी निजी कर्म काट करके आपसे ते हो गए हो, निजी कर्म काट करके आपसे ते हो गए हो। तारण तरणे तुम्ही हो जिन वाणी बताए, जिन वाणी बताए। अरे हंत देव स्वामी शरण तेरी आए, शरण तेरी आए। शक्ति है तुझ में सी कर्म काटने की, शक्ति है तुझ में सी कर्म काटने की। छोड़ कर तुम्हें हम किसकी शरण जाए, किसकी शरण जाए। अरे हंत देव स्वामी शरण तेरी आए, शरण तेरी आए। मझधार में पड़ी है प्रभु जी नाव मेरी, मझधार में पड़ी है प्रभु जी नाव मेरी। भव पार तुम लगा दो आस लेके आए, आस लेके आए। अरे हंत देव स्वामी शरण तेरी आए, शरण तेरी आए। तारा है तुमने उनको जिसने भी पुकारा, तारा है तुमने उनको जिसने भी पुकारा। हम भी पुकारते हैं तुमसे लौ लगाए, तुमसे लौ लगाए। अरे हंत देव स्वामी शरण तेरी आए, शरण तेरी आए। बोलिए 105 आर का स्वस्ति भूषण माता जी की जय। जिनेन्द्र बंधु परम पूजनीय गणमान्य रत्न स्वस्ति भूषण माता जी की मंगल में प्रेरणा से स्वस्ति धाम झारखंड में भूगर्भ से प्रकटित 1,800 मनीषनाथ भगवान के पावन जिन मंदिर में 40 दिन महा अनुष्ठान होने जा रहा है। आने वाली 8 नवंबर 2020 से 17 दिसंबर 2020 तक। बंधुओं अपने घर में सुख शांति समृद्धि के लिए आप स्वस्ति धाम जहाजपुर में एक दिन का चालीसा करवाएं, जिसकी न्योछावर राशि मात्र 5,100 रुपये है। आपने पढ़ा है 40 दिन
पढ़ते जो भगवान बुद्धि शुद्धि धन हो अतुल होवे सम्यक ज्ञान। बंधुओं यहाँ पर 40 दिन तक लगातार प्रतिदिन 40-40 बार चालीसा का पाठ होगा और वो भी मुनीश्वरनाथ भगवान के समक्ष होगा। तो बंधुओं उस दिन जो शांति धारा होगी उसमें भी आपका नाम बोला जाएगा, आपके नाम से यहाँ पर विधान होगा और चालीसा का पाठ होगा 40 बार। तो ऐसा सौभाग्य हमको पूज्य माता जी ने प्रदान किया है। कोरोना महामारी चल रही है, अपने घर में रोग शोक आदि व्याधि को नष्ट करने हेतु सुख शांति हेतु एक दिन का चालीसा और विधान के पुण्याचर्य बने। आप अपनी सूचना यहाँ पर दे सकते हैं। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में